कुछ समय पहले की बात है, एक गांव हुआ करता था और वहाँ अयान नाम का एक मैकेनिक रहता था। दिन में तो वो गाड़ियों की मरम्मत करने का काम करता, लेकिन रात में एक चोर में बदल जाता और घरों में डाका डालता। एक दिन वो एक घर में चोरी करने के इरादे से घुसा। जब वो उस घर में पैसे तलाश रहा था, उस घर का मालिक जाग गया। चोर, चोर, घुस गया मेरे घर के अंदर, इधर आओ। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा तो अयान डर गया। फिर भी किसी तरह वो उससे बच बचाकर बाहर आ गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत कठिन है। मैं हर बार पकड़ा जाता हूँ और फिर मार मार के लोग मेरा कचूमर बना देते हैं। इस चोरी के धंधे से मैं कुछ नहीं कमा पाता। इस तरह वो बहुत उदास हो गया। फिर वो घर लौट गया और टहलते हुए सोचने लगा, मुझे कुछ करना होगा, वरना इस तरह तो जीना बड़ा मुश्किल है। कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। तुरंत उसने उसके पास पड़े औजारों से जुगत लगाकर एक खिलौना भैंस बना ली। वाह, ये तो अद्भुत उपाय है। अब मैं इस भैंस के अंदर बैठकर करूंगा चोरी, रात में जी भर कर, और लोग सोचेंगे एक अजीब भैंस है। वो उस रात उस भैंस के अंदर बैठा और एक घर गया। वहां सब कोई सो रहे थे। फिर अयान जो उस भैंस के अंदर था, उसने जोर से कहा, ए, उठकर खड़े हो जाओ, वरना दोनों को खा जाऊंगी। पति पत्नी जो वहां सो रहे थे जाग पड़े और उस भैंस को देखा। वो दोनों डर गए और उसे बोलते देख, एक भैंस कैसे बोल रही है? मैं एक जादुई भैंस हूँ, अगर मैं जो मांगूंगी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, खबरदार। अच्छा, तुम्हें खाने के लिए घास चाहिए या चारा खाओगी? नहीं तो सब्जियां लेकर रहूं, बताओ। ये घास फूस अपने खाने के लिए रखो, मुझे तो तुम्हारे घर में जो भी सोना गहने हैं सारे निकाल के दे दो, नहीं तो मार डालूंगी। ये सुनकर वो दोनों और डर गए और बोले, एक मिनट, अभी लाती हूँ। और उन्होंने सारा धन और सोना उस भैंस के सामने रख दिया। उस भैंस ने वो सारा सामान लिया और पूंछ हिलाकर चलती बनी। फिर अयान ने घर पहुंचकर वो सारा धन और सोना देखा। बढ़िया है, जब तक मैंने अपने मैकेनिक दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया तब तक चोरी नहीं कर सका। अगर मेरी दुकान पर और लोग आने लगे तो मुझे चोरी करने की क्या जरूरत, लेकिन अभी कुछ दिन चोरी करूंगा। अगले दिन वो फिर उस खिलौना भैंस के अंदर बैठा और एक दूसरे घर गया। ए, उठो तुम लोग, मुझे भूख लग रही है। इस तरह भैंस जोर से चिल्लाई। उसका चिल्लाना सुनकर एक आदमी बाहर निकल कर आया और पूछने लगा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आ गई, बोल कैसे रही हो तुम? मैं एक जादुई भैंस हूँ, मैं यहाँ अपनी भूख मिटाने आई हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अगर मैंने जो मांगा नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, एक मिनट रुको। ये कहते हुए वो अंदर गया और ढेर सारी खाने की चीजें ले आया। उन्हें देखकर भैंस बोली, ये सब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ धन और सोना ही मेरी भूख मिटा सकता है। लेकिन मेरे पास धन और सोना है ही नहीं, अगर तुमको भूख लग रही है तो तुमको यही खाना पड़ेगा, धन सोने से भूख थोड़े मिटेगी। मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है क्या, तू जिंदा नहीं रहना चाहता है क्या, चल जा और जाकर धन और सोना ले आ, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। अच्छा अच्छा, लाता हूं, रुको। जब वो अंदर जाने लगा, रुको एक मिनट, खाने की चीजें कहां ले जा रहे हो तुम, यही छोड़ के जाओ, हाँ जाओ सोना और पैसा लेकर आओ। उस आदमी ने ठीक है कहा और खाने की चीजें भैंस के सामने रख दी। फिर वो अंदर जाकर धन और सोना लेकर आया। ये लो सोना और धन, लेकिन मुझे नहीं मारना। ये कहते हुए उसने सारा लाया हुआ सामान भैंस को दे दिया। फिर अयान जो उस भैंस के अंदर था उससे बोला, तुम बहुत समझदार हो, खुद को मरने से बचा लिया। ये कहते हुए अयान जो उस भैंस के अंदर था वहां से जाने लगा। भैंस को चलाते हुए वो अचानक रुक गए। क्या हो गया इसे, ये यहाँ क्यों खड़ी हो गई, आगे ही नहीं बढ़ रही, क्या कोई चीज इसके सामने आ पड़ी है, मैं बाहर निकल कर हटा देता हूँ। ये सोचकर वो बाहर निकला और देखने लगा।
उसे ये करता देख उस घर में रहने वाले आदमी ने जोर से कहा, ए चोर, तुम कर रहे हो सब, चोर चोर। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे अयान डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक वहां कुछ लोग आ गए और उसे धर दबोचा। फिर उन्होंने जो जमकर उसकी धुनाई की और फिर उसे पुलिस के पास ले गए। बेचारा यार, करने गया था कुछ और हो कुछ और ही गया। शिवाय और पार्वती की दो बेटियां थीं, शारदा और शांति। वो परिवार बेहद खुशी में जी रहा था। जब पार्वती अचानक बीमार पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मौत उस परिवार के लिए एक गहरा सदमा थी। उसके मर जाने से दोनों बेटियों की देखभाल की जिम्मेदारी शिवाय पर आ गई। एक दिन शिवाय का दोस्त दर्श उसके घर आया और उससे कहा, दोस्त, तुम अकेले अपनी बेटियों की देखभाल कब तक करोगे? लड़के फिर भी माँ के बगैर रह लेते हैं, लेकिन बेटियों को माँ की जरूरत होती ही है। मेरी बात सुनो और दूसरी लड़की से शादी कर लो। तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर कोई ऐसी आ गई जिसने लड़कियों की देखभाल करने में रुचि नहीं दिखाई तो उनकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, एक अच्छी लड़की है, उसने बचपन में ही अपने माँ बाप खो दिए थे, उसे उसके नाना ने पाल पोस कर बड़ा किया है। वो उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन लोग दहेज के नाम पर ढेर सारा पैसा मांगते हैं जो वो दे नहीं सकता। तुम उस लड़की के लिए एकदम सही आदमी हो, मेरी सलाह मानो। शिवाय ने कुछ देर सोचा और हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद शिवाय ने उस लड़की से शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी का नाम था लक्ष्मी। वो शारदा और शांति की अच्छे से देखभाल कर रही थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन लक्ष्मी की एक सहेली उसके पास आई और कहा, लक्ष्मी कैसी है ऋतु? चेहरे से तो लग रहा है कि बड़ी खुश है, यहाँ तेरी अपनी ना होते हुए भी इनकी अच्छे से देखभाल कर रही है। जन्म नहीं दिया तो क्या, लेकिन है तो मेरी बेटी है। तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? कितनी बड़ी मूर्ख है ऋतु, तू अपना बच्चा भी तो जन्मेगी, क्या उसके आ जाने के बाद भी इन पर ऐसे ही प्यार न्योछावर करेगी? तुम कहना क्या चाह रही हो कविता? मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही। इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है। अगर तू उन्हें एक हद में रखती है तो तेरे लिए आगे सही रहेगा। सिर्फ तेरे अपने बच्चों को मिलनी चाहिए जमीन जायदाद, इन लड़कियों को नहीं। एक बार फिर सोच के देख ले। इस तरह लक्ष्मी को उलझन में डालकर वो वहां से चली थी बनी। उस दिन के बाद से लक्ष्मी उन लड़कियों को डांट डांट कर उनसे घर के काम करवाने लगी। क्योंकि वो बच्चे उम्र में छोटी थी, दोनों रोती और एक दूसरे से एक दिन कहने लगी, माँ से बदल क्यों गई, वो पहले तो नहीं डांटती थी। ये सोचकर वो दोनों बच्चियां बहुत दुखी हो गई। लक्ष्मी दिनों दिन डांट के साथ अब उनसे बुरा बर्ताव भी करने लग गई थी। एक दिन शारदा को बहुत तेज बुखार था, वो घर के काम नहीं कर सकी और बिस्तर पर लेटी थी। एक आमचोर, अभी तक सो रही है? तेरी बड़ी बहन काम कर रही है। माँ, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं नहीं सोने दूंगी तुझे, चलो। इस तरह डांट कर उसने शारदा से काम करने के लिए जबरदस्ती की। काम करते हुए शारदा को अचानक चक्कर आए और वो गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब लक्ष्मी ने पूरे घर में देखा तो उसे दोनों लड़कियां कहीं नहीं मिली। फिर उसने एक औरत को घर की सफाई करते देखा और पूछा, कौन हो तुम, हमारे घर में सफाई क्यों कर रही हो? वो औरत लक्ष्मी के पास आई और एक प्रेत में बदल गई। फिर वो रोने लगी, इसलिए क्योंकि तुम मेरी बेटियों को सता रही हो। वो तो मासूम बच्चियां हैं, तुम उनसे तब भी काम करवा रही हो जब उनका शरीर बुखार में तप रहा है। कौन हो तुम, तुम उन्हें अपनी बेटियां क्यों कह रही हो? हाँ, वो मेरी बेटियां हैं, मैं पार्वती हूँ, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ करना नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें मार कर मैं अपनी बेटियों से फिर से उनकी मां नहीं छीनना चाहती हूँ। बस उन पर दया करो, उनसे कठिन काम मत करवाओ। हर दिन मैं आकर काम कर दूंगी अगर तुम्हें मदद चाहिए, लेकिन उनसे काम के लिए मत कहो उनसे। नहीं नहीं पार्वती, मुझे माफ कर दो बहन, मैं कविता की बातों में आ गई और गलत व्यवहार अपना लिया। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है लक्ष्मी, मुझे खोने के बाद दोनों बच्चियां तुम्हें अपनी माँ को देखती हैं, तुम्हें उनकी प्यार से देखभाल करनी चाहिए। उनका उत्साह बढ़ाओ ताकि वो तुम्हारा आदर कर सके। उन्हें कोस कर उनका दिल मत दुखाया करो, मेरी बच्चियों का अपना मानो। तुम चिंता मत करो, मैं उनकी अपनी बच्चियों की तरह ही देखभाल करूंगी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो पार्वती, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ता।
मैं शारदा और शांति के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूंगी, मैं वचन देती हूँ। अब मुझे तसल्ली हुई, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो प्रेतात्मा वहां से अदृश्य हो गई। उसके बाद से लक्ष्मी दोनों बच्चियों की फिर से अच्छे से देखभाल करने लगी। कभी कभी प्रेत रूप में पार्वती लक्ष्मी से मिलने आती और उनके हालचाल पता करती। इस तरह वो परिवार फिर से खुशियों में खेल रहा है।